पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। 28 मार्च तक उनके खिलाफ असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन इमरान खान के मुताबिक उनको कुर्सी से हटाना आसान काम नहीं होगा। इमरान खान का कहना है कि विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन वो आखिरी बॉल तक खेलना जानते हैं और वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इमरान ने अपने बयान में एक और बात की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास तुरुप के पत्ते बाकी हैं, जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तो चलिए आज बात करते हैं इस खबर पर कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कुछ दिनों पहले इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद से ही इमरान खान विरोधियों पर तीखे सवालों से हमला कर रहे हैं। इस्लामाबाद में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान को पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल बाजवा और सेना के 3 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स की बैठक में इमरान की सियासी किस्मत पर फैसला लिया जा चुका है। सभी ने ये राय जाहिर की है कि इमरान को और समय देना सही नहीं। ऐसे में लग रहा था कि इमरान खान जल्द ही सरेंडर कर देंगे, लेकिन इमरान ने अपने बयान के जरिए ये साफ कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन नंबर गेम की बात करें तो फिलहाल इमरान के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नजर नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान में सत्ता के आंकड़ों पर नजर डालें तो इमरान को पहले 176 सांसदों का समर्थन हासिल था, लेकिन 24 सांसदों के बागी होने के बाद अब इमरान खान के पास सिर्फ 152 सांसद ही बचे हैं। यानी 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान खान बहुमत के आंकड़े 172 से काफी पीछे हैं। उधर विपक्ष को लेकर माना जा रहा है कि उनके पास 200 सांसदों से ज्यादा का समर्थन है। हालांकि बागी सांसदों को लेकर इमरान खान की पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई कि बागी सांसदों के वोट संसद में ना गिने जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि हर सांसद को वोट देने का अधिकार है। उधर नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर सीधे तौर पर सरकार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन 21 मार्च को बुलाया जाना था, लेकिन कैसर ने इसे 25 मार्च तक टाल दिया। नियमों के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर वोटिंग जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच किसी भी वक्त इस वोटिंग को किया जा सकता है। यानी इमरान जिस तुरुप के इक्के की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो भी उनकी कुर्सी जाने से ना बचा पाए। खैर, अब इन खबरों के बाद एक बहस और शुरू हो गई है कि कहीं इमरान खान को भी नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ की तरह देश छोड़कर जाना ना पड़े। हालांकि इमरान विपक्षियों पर हमले करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इमरान ने विपक्षियों पर बयान देते हुए कहा है कि जो कहते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। क्या मैं चोरों के आगे झुक जाऊं? मुल्क की सियासत को कंट्रोल ऐसे नहीं किया जा सकता। हमारी ओपोजिशन दरअसल ब्रांड ऑफ करप्शन है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्ते में इमरान अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं। लेकिन जाते जाते एक ज्ञान की बात और जान लीजिए। इमरान खान समेत पाकिस्तान में अब तक 22 प्रधानमंत्री और एक अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पाकिस्तान में 1947 के बाद 26 साल तक PM की कुर्सी खाली रह चुकी है। इस दौरान पाकिस्तान में सैन्य शासन रहा। पाकिस्तान कितना अस्थिर नेशन है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 के बाद से लेकर अब तक एक भी पाकिस्तानी PM लगातार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। तो ये है पाकिस्तान की पूरी स्थिति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।